उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बढ़ता हुआ कद, आज सब उसकी बात कर रहे हैं। योगी पहले योगी से राजा बने और इस जीत के बाद अब वो सम्राट की तरह दिखने लगे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि क्या योगी बीजेपी में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के बाद क्या अब तीसरे सबसे बड़े नेता बन गए हैं, क्योंकि आज देश भर में यही चर्चा है। अब तक बीजेपी में नंबर वन और नंबर टू की जो पोजीशन थी वो बिल्कुल साफ थी, किसी को कोई शंका थी ही नहीं उसके बारे में। नंबर वन है प्रधानमंत्री मोदी, नंबर टू है अमित शाह। राजनीति से लेकर आम बोलचाल की भाषा में भी यही कहा जाता था कि बीजेपी में मोदी और शाह का मतलब है नंबर वन और नंबर टू। और राजनीति के गलियारों में तो जब लोग बात करते थे तो नाम लेते ही नहीं थे, वो कहते थे हमारी नंबर वन से बात हुई है या हमारी नंबर टू से बात हुई है, और लोग समझ जाते थे कि नंबर वन कौन है और नंबर टू कौन है। लेकिन इस पूरी व्यवस्था में नंबर तीन की बात कभी नहीं हुई, क्योंकि नंबर तीन कोई था ही नहीं, सिर्फ दो ही लोग थे। इसके बाद बाकी जितने भी नेता हैं वो सब बराबर के दर्जे पर हैं, यानी बीजेपी में नंबर थ्री का कोई स्थान ही नहीं था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के नेताओं ने और जो उत्तर प्रदेश के जो नतीजे हैं उन्होंने योगी आदित्यनाथ को स्थिति में ला दिया है कि उन्हें पार्टी में मोदी और अमित शाह के बाद नंबर थ्री, चाहे दबे स्वर में ही सही, लेकिन कहा जाने लगा है। राजनीति में योगी आदित्यनाथ के लिए एक बात काफी कही जाती है कि अब उनके पैरों में मुख्यमंत्री के जूते छोटे पड़ने लगेंगे। आज मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ बीजेपी में हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा दिखते हैं। आज मोदी तो फिर भी मॉडरेट दिखते हैं, क्योंकि मोदी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन जो कट्टरवादी हिंदू हैं हमारे देश में वो अपना पोस्टर बॉय योगी को बनाना चाहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के समय लाल कृष्ण आडवाणी हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा दिखते थे, तब वाजपेयी सॉफ्ट दिखते थे और आडवाणी हार्ड लाइनर दिखते थे, कट्टर दिखते थे। फिर आडवाणी ने सेकुलर दिखने की कोशिश की और वो पाकिस्तान जाकर जिन्ना की मजार पर फूल मालाएं चढ़ाकर आ गए और फिर वो सॉफ्ट हिंदुत्व का चेहरा बन गए। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी हिंदुत्व का जो नया चेहरा है वो बन गए। और फिर अब अगर आप देखेंगे तो अब की स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि वो अब सेक्युलर दिखते हैं और सबका साथ सबके विश्वास की बात करते हैं, ऐसे समय में लोग जो कट्टर हिंदुवाद है उसका पोस्टर बॉय योगी आदित्यनाथ को मानकर चल रहे हैं। तो स्थिति यह है, यानी कई मायनों में बीजेपी के दूसरे मुख्यमंत्रियों से योगी काफी अलग हैं, चाहे चुनाव त्रिपुरा में हो, दक्षिण भारत के केरल में हो, उन्हें बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारक बनाकर सभी राज्यों में भेजा जाता है, यानी उनकी जो रिकॉल वैल्यू है वो बाकी के नेताओं से ज्यादा है। मोदी की तरह योगी पर भी कभी ये आरोप नहीं लगाए जा सकते कि वो राजनीति में अपने परिवार और निजी स्वार्थ के लिए हैं। दोनों ही नेताओं की राजनीति पूर्ण रूप से देश को समर्पित है, यानी जैसे मोदी के लिए उनका परिवार, उनकी पूंजी और उनका जीवन केवल ये देश है, ठीक वैसे ही योगी को भी उसी रूप में देखा जाता है। योगी आदित्यनाथ की उम्र इस समय 49 वर्ष है, 49 ईयर्स। वो कांग्रेस के सबसे युवा नेता कहे जाने वाले राहुल गांधी से भी 2 साल छोटे हैं। राहुल गांधी इस समय 51 साल के हैं, जबकि बीजेपी में नंबर वन प्रधानमंत्री मोदी 71 वर्ष के हैं और नंबर टू अमित शाह 57 वर्ष के हैं। एक और बात है, किसी भी पार्टी में नेता का कद और उसके अनुभव और उसके कुशल नेतृत्व से ही उसे जाना जाता है। 2017 से पहले तक योगी आदित्यनाथ की छवि हिंदुत्व के एक फायर ब्रांड नेता की थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में 5 साल सरकार चलाकर फिर इतने शानदार तरीके से दोबारा वापसी करके उन्होंने खुद को एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर भी, यानी कुशल प्रशासक के तौर पर भी स्थापित किया है। और एक जमाने में यही छवि प्रधानमंत्री मोदी की हुआ करती थी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और अपने नेतृत्व में बीजेपी को उन्होंने 3 विधानसभा चुनाव एक के बाद एक जिताए थे। हालांकि अभी तीसरा विधानसभा चुनाव तो योगी ने नहीं जितवाया, उसमें तो अभी बहुत समय है, और वो तीसरा विधानसभा चुनाव जीत भी पाएंगे या नहीं उसकी भविष्यवाणी अभी से करना बहुत ही कठिन काम होगा। चुनाव से पहले मैंने योगी आदित्यनाथ का एक इंटरव्यू किया था और तब भी मैंने उनसे ये सवाल पूछा था, इसलिए आज आपको उस इंटरव्यू का एक छोटा सा अंश जरूर देखना चाहिए। अब मैं आपसे गर्मा गर्म सवाल पूछ लेता हूं। जब आप 2017 में आए थे तब आप सांसद तो कई बार रह चुके थे, लेकिन इतना बड़ा पद आपको पहली बार मिला, तब आप सीएम थे। अब 2021 में लोग कहते हैं अब आप सुपर सीएम हैं, और लोग ये भी कहते हैं कि अब उत्तर प्रदेश के सीएम के जो जूते हैं वो आपके पांव में छोटे पड़ रहे हैं। देखिए, मैं
एक बीजेपी का सामान्य कार्यकर्ता हूं, एक सीएम हूं, पार्टी जो दायित्व देगी उसका निर्वहन कर रहा हूं, एक विचार परिवार के साथ जुड़ा हुआ हूं, राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक छोटा सा विनम्र प्रयास कर रहा हूं, बाकी इसके अलावा मेरी कुछ भी अपनी वो नहीं है। दूसरे शब्दों में फिर पूछता हूं, क्या बीजेपी की जो अपनी राजनीति है या स्कीम ऑफ थिंग्स है उसमें आप बाकी मुख्यमंत्रियों से ज्यादा उपयोगी हैं, क्योंकि आपको स्टार प्रचारक के तौर पर भी ले जाया जाता है, आपको पश्चिम बंगाल भी ले जाया जाता है। हर मुख्यमंत्री और हर नेता उपयोगी है और हर व्यक्ति अपने अनुसार कंट्रीब्यूशन करता है, हर व्यक्ति करता है, ये केवल मैं ही नहीं करता हूँ। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी आएंगे, किसी अन्य राज्य में होगा तो हम लोग भी जाते हैं। क्या आप अपनी ब्रांडिंग एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर कर रहे हैं? नहीं, मैं अपनी कोई ब्रांडिंग नहीं करता हूँ, मैं अपने को एक सामान्य नागरिक के रूप में मानता हूँ और एक सामान्य योगी के रूप में अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाता हूँ। क्योंकि योगी जी, आप अभी बहुत युवा हैं, 49 साल के हैं, और बीजेपी में क्या भारतीय राजनीति में सबसे युवा नेताओं में से आप एक हैं, यानी अभी आपकी पारी बहुत लंबी चलने वाली है, तो क्या आप उत्तर प्रदेश के अलावा केंद्र में भी अपनी कोई भूमिका देखते हैं आगे? देखिए, मैं अपनी भूमिका कहीं नहीं देखता हूं, मैं केवल लोक कल्याण के पथ का एक छोटा सा पथिक हूं और इसी पथ पर इसी भूमिका के साथ लोक कल्याण और अध्यात्म दोनों को मिलाकर के आगे बढ़ने में विश्वास करता हूं और अपनी भूमिका से संतुष्ट हूं। ये सवाल आपको अनकंफर्टेबल कर देता है? मुझे कोई मैं कभी अपने को अनकंफर्टेबल महसूस नहीं करता। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।